स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। क्लास है आईकॉम पार्ट टू। आज हम आईकॉम पार्ट टू में जॉइंट स्टॉक कंपनीज पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर वन है, तो आइए देखते हैं इसमें कि आज के लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस होंगे। क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन ऑथोराइज्ड कैपिटल और जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइन चार्टर्ड कंपनी। नंबर थ्री डिफाइन डिबेंचर स्टॉक। क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन डायरेक्टर। और क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन इशूड कैपिटल। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। वो ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया जिसका किसी कंपनी के पास जारी करने का इख्तियार होता है और इस सरमाए के साथ वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइन चार्टर्ड कंपनी। इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय क्राउन, फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट इंडिया कंपनी, द चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऐसी कंपनी जो शाही फरमान के तहत कायम की जाती है, यानी इसको बादशाह के हुक्म से कायम किया जाता है, चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। मसलन ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये इसकी सबसे अहम मिसालें हैं। आजकल चूंकि बादशाहत बहुत कम मुल्कों में बाकी रह गई है, इसलिए जो हुकूमत के हुक्म के तहत जो कंपनी कायम की जाती है उसे भी चार्टर्ड कंपनी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है डिफाइन डिबेंचर स्टॉक। ए डिबेंचर स्टॉक इज ए कन्वर्टेड डिबेंचर, दिस कन्वर्जन इज मेड बाय द डायरेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ऐसे तमस्कात यानी डिबेंचर्स जो बाज शरायत की तकमील के बाद शेयर्स में तब्दील किए जा सकते हैं, तब्दील शुदा या डिबेंचर स्टॉक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है डिफाइन डिबेंचर। अब ये देखना ही है कि डिबेंचर क्या होते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग ए डेट ड्यू बाय इट्स होल्डर। ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी की तरफ से अपनी मोहर के साथ लोगों को उनके कर्ज की हिफाजत यानी जमानत की खातिर जारी किया जाता है, डिबेंचर कहलाता है। यानी कंपनी जो कर्जा आम लोगों से लेती है और उसकी जमानत के तौर पे जो सर्टिफिकेट लोगों को इशू करती है कि इतना कर्जा आपका हमारे पास मौजूद है, इसको इतने वक्त में और इतने इंटरेस्ट के साथ हम आपको वापस करेंगे, इसे डिबेंचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफाइन डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं? इट इज शेयर होल्डर हु कंट्रोल्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के वो हिस्सेदार जो कंपनी के इंतजामों इंसराम के जिम्मेदार होते हैं। कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वही कंपनी चलाते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग जो हैं उनको बाकी लोग अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस कंपनी के तमाम इंतजाम इंसराम के जिम्मेदार हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनको डायरेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफाइन इशूड कैपिटल। शेयर्स ऑफर टू जनरल पब्लिक फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन आर नोन एज शेयर इशूड, द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जिसकी आम लोगों को शेयर खरीदने की दावत दी जाती है, इशूड कैपिटल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये सिक्स क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह लेक्चर टू में हम देखेंगे।